नमस्कार बच्चों, आज पंचम पाठ है सुक्ति मौक्तिकम सुक्ति रूपी मोती। इस पाठ के पांचवें श्लोक को पढ़ेंगे। चार श्लोक आपने अच्छी तरह पढ़ लिए थे, वे आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक मिच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी इस नाटक से लिया गया है। ये जो नाटक है शूद्रक ने लिखा है। तो इस नाटक में चारुदत्त नाम का ब्राह्मण होता है, वो पहले अमीर होता है और बाद में गरीब हो जाता है। तो उस चारुदत्त के माध्यम से ही शूद्रक ने अच्छी अच्छी बातें बताई है। उन्हीं अच्छी बातों में से एक अच्छी बात का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। सबसे पहले हम समझें कि श्लोक में किसके बारे में बताया गया। इस श्लोक में गुणों का महत्व बताया गया है कि प्रत्येक इंसान को गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस श्लोक का लय सहित उच्चारण करते हैं। गुणेष्वेव हि कर्तव्ये प्रयत्न पुरुषे सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेस्वरे गुणे समय। आप नीचे देखें, गुणे सेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेस्वरे गुणे समय। देखो श्लोक है, आपको अच्छी तरह इसका उच्चारण आ गया होगा। आगे श्लोक को समझते हैं। सबसे पहले अन्वय इसका देखते हैं। अन्वय से किसी भी श्लोक का जो अर्थ है वो अच्छी तरह समझ में आ जाता है। अन्वय से पहले कुछ शब्द इसमें दिए हुए श्लोक में, उनका मतलब समझ लेते हैं। गुणेष्वेव गुणेषु एव गुणों में ही, गुणेषु में सप्तम विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दरिद्रोपी दरिद्र प्लस अपि, दरिद्र मतलब गरीब, अपि मतलब भी गरीब भी, ठीक है। आगे हम अन्वय की तरफ चलते हैं। पुरुषे ही सदा, पुरुषों के द्वारा हमेशा, गुणेषु एव गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न प्रयास कर्तव्य करना चाहिए। मतलब पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखें, गुणयुक्त दरिद्र अपि, गुणवान गरीब भी, अगुणे ही जिसमें किसी प्रकार का गुण नहीं है, ईश्वरे ही, ईश्वर में यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ईश्वरे ही समय ऐसे धनवान के समान, न भवति नहीं होता है, ऐसे धनवान के समान नहीं होता है। फिर से देखो, गुणयुक्त दरिद्र अपि, गुणवान गरीब भी, अगुणे ही ईश्वरी समय न भवती, जिसमें गुण नहीं है ऐसे धनवान के समान नहीं होता, अर्थात उससे श्रेष्ठ होता है, उससे बड़ा होता है। इस श्लोक में शूद्रक ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छी आदतों को अपनाता है वो जीवन में सुखी रहता है और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। अच्छी आदत की वजह से लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी को भी परेशान मत करना, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना, सभी का उपकार करना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना जो हम अक्सर करते हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिससे सामने वाले को दुख पहुंचे। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, चाहे वो गरीब हो
फिर भी लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जिसके पास खूब पैसा है लेकिन लोगों का सम्मान नहीं करता है, बुरी आदतें उसमें हैं, वो लोगों का भला नहीं करता है, पक्षपात करता है, तो जो ऐसा व्यक्ति है वह व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति से बुरा अर्थात छोटा माना जाता है। और वो जो अमीर व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है वह उस अमीर व्यक्ति से बड़ा माना जाता है। तो ये श्लोक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे देखो, परीक्षोपयोगी प्रश्न, परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न। ये जो श्लोक में जो ये परीक्षोपयोगी प्रश्न दिए होते हैं ये परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। और ये उत्तर जब भी आएंगे जब आपको कोई भी श्लोक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखें आगे, एक पदे न उत्तरत है, एक पद में उत्तर दो। पुरुषे केसु प्रयत्न कर्तव्य, पुरुषे ही केसु प्रयत्न कर्तव्य, पुरुषों में किस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात पुरुषों के द्वारा किस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। तो कैसा प्रयत्न करना चाहिए श्लोक में देखो, गुणेश एव, मतलब गुणेश एव ही कर्तव्य। तो क्या लिखेंगे, गुणेशु एव प्रयत्न कर्तव्य, ये इसका। तो आपको क्या लिखना है, गुणेशु एव प्रयत्न कर्तव्य, क्या लिखोगे, गुणेशु एव प्रयत्न कर्तव्य, पूरा ही लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि पूरा वाक्य ढंग से नहीं बैठ रहा है, चाहे एक पद में, लेकिन इतना तो लिखना ही होगा कि गुणेशु एव प्रयत्न कर्तव्य। आगे देखो, पुरुषे ही कदा प्रयत्न कर्तव्य, पुरुषों के द्वारा कब प्रयास करना चाहिए, तो इसमें आएगा सदा, केवल सदा लिखना है, पूर्ण वाक्य में नहीं लिखना। पूर्ण वाक्य न उत्तरत है, पूरे वाक्य में उत्तर दो, पुरुषे ही किम कर्तव्यम, तो इसमें क्या आएगा, पुरुषे ही गुणेशु एव प्रयत्न कर्तव्य, पुरुषों के द्वारा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए। सदा लिखें या नहीं लिखें कोई जरूरी नहीं है। आगे, गुणयुक्त दरिद्र केन समय न भवति, गुणवान गरीब किसके समान नहीं होता है। अर्थात क्या लिखेंगे, पूरी नीचे वाली लाइन, गुणयुक्तो दरिद्र अपि न अगुणे ही ईश्वरे ही समय भवति। आगे देखो, निर्देशानुसारम उत्तरत है, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखें। धनी इत्यस्य विलोम पदम श्लोकात् चित्वा लिखत, धनी इसका विलोम पद श्लोक में से चुनकर लिखना है। तो धनी का विलोम पद श्लोक में से देखें क्या आएगा, धनी का विलोम क्या है श्लोक में, दरिद्र है, क्या है, दरिद्र है। आगे देखो, अगुणे ही ईश्वरे ही इत्यनयो किम विशेषण पदम, अगुणे ही ईश्वरी दो पद दिए हुए, इन दोनों में से विशेषण क्या है। तो आपको पता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें ईश्वरी इसकी इसकी विशेषता कौन बता रहा, अगुणे ही, वो जो धनी है धनवान है वो कैसा है, अगुणे ही, उसमें कोई गुण नहीं है। तो इस कारण यहाँ पर अगुणे ही ये विशेषण हो गया, और ये अगुण है मूल शब्द, और इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद में इसको लिखना है और आपको काम भी करना है। धन्यवाद है।